बड़वानी जिले के राजपुर में सोमवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष सुखा विजय अग्रवाल, अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय अग्रवाल, सीएमओ मायाराम सोलंकी, डीएमओ डॉक्टर देवेंद्र रोमिट द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को हित लाभों का वितरण किया गया। इस दौरान अतिथियों द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को आवासीय पट्टों का वितरण किया गया और साथ ही विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को हित लाभों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान नगर परिषद अध्यक्ष सुखा विजय अग्रवाल ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के सूत्र वाक्य को साकार करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश पात्रधारियों को लाभान्वित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसमें लाभों से वंचित न रह जाए व्यक्तियों को लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है। सीएमओ मायाराम सोलंकी ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लाभार्थियों को दी। इस दौरान बीएमओ डॉक्टर देवेंद्र रोमिट द्वारा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को देकर योजनाओं के प्रति उनको जागरूक किया गया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष सुखा विजय अग्रवाल, अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय अग्रवाल, सीएमओ मायाराम सोलंकी, डीएमओ डॉक्टर देवेंद्र रोमिट, महिला एवं बाल विकास विभाग से कृष्णा स्वामी, विद्युत विभाग से दीपेंद्र माली, सोनू वाले डोंगर, धनगढ़ सहित बड़ी संख्या में हितग्राही एवं नगर परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। बड़वानी से इमरान खान की रिपोर्ट। इस योजना के लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी जो है, सीएम जो है, उनके उनको बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती थी। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिक इसमें मैं नगर परिषद अध्यक्ष सुखा विजय अग्रवाल राजपुर से हूँ। आज हमारे द्वारा आवास योजना लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसमें मोदी सरकार द्वारा सभी हितग्राहियों को प्रमाण पत्र दिए गए। इसमें हमने आवास योजना के 15 प्रमाण पत्र वितरित किए हैं एवं लाडली लक्ष्मी के हमने 10 प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। यह योजना 10 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक शुरू रहेगी। नगर परिषद राजपुर द्वारा आज विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत द्वितीय चरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद द्वारा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हितग्राहियों को लगभग 15 पट्टों का प्रमाण पत्र वितरण किया गया तथा महिला बाल विकास की तरफ से लाली बहना के योजना के अंतर्गत भी प्रमाण पत्र भी बांटे गए। ये योजना कब से कब तक चलेगी? ये 10 फरवरी से 25 फरवरी तक निरंतर जारी रहेगी।